नहीं देखिए, चर्चा ये हुई कि जो ये चार परिवार हैं, इनके इनमें से दो लोगों ने आत्महत्या की है और दो लोग लाइन में खड़े खड़े इनकी मृत्यु हुई है। खाद के लिए लाइन में खड़े थे, खड़े खड़े एक दो दिन के लिए खड़े थे, एक चार दिन के लिए खड़े थे। कहते हैं कि जब लाइन छोड़ते हैं, लाइन छूट जाती है, अगर खाने के लिए घर आए या घर किसी वजह से घर आए तो लाइन छूट जाती है, तो लगातार खड़े रहे। किसी ने एक जन है जिन्होंने खाना भी नहीं खाया था, तो उनकी खड़े खड़े खाद के इंतजार में मृत्यु हो गई। अब एक पूरी सुविधा होती है सरकार की खाद के वितरण के लिए, तो ये तो स्पष्ट है कि ये पूरी तरह से फेल हो गई है। तो फेल क्यों हुई है? क्योंकि जो कालाबाजारी करते हैं वो और अधिकारी और नेता सब साठगांठ कर रहे हैं। और जब आपकी बता रहे थे मुझे कि एक बोरा मिल रहा है 2000 के लिए, एक बोरा खरीदने की कोशिश की इन्होंने, ठीक है, तो ये तो कालाबाजारी हुई साफ साफ। दूसरा, जब आपने बोरे से ही चोरी कर रहे हैं, आप खाद की बोरी से चोरी हो रही है, 50 की होती थी पहले, अब 45 की है, तो उसमें कम खाद भी दे रहे हो, खाद का दाम बढ़ा भी रहे हो, तो हमें क्या करेंगे बताओ? अब इनकी इतनी समस्याएं हैं, इतनी समस्याएं, और सरकार सुन नहीं रही है। आप जानते हैं किसान सड़क पे आ गया है, महीनों से सड़क पे है, लेकिन कहीं भी इसकी सुनवाई नहीं है। कहीं कुचला जा रहा है गाड़ी के नीचे, तो कहीं इस तरह की चीजों से कुचला जा रहा है। अच्छा, यहाँ आते आते आपने देखा कि अन्ना ये आवारा पशु है हर जगह, यहाँ पे शायद अन्ना प्रथा कहते हैं उसको। अब ये मुझे भी ये भी बता रहे थे कि पूरी रात बैठे रहते हैं खेत में, पूरी रात खेत में बैठे, यहाँ बारिश हो गई आखिरी बारिश, कह रहे कि वो तो भगवान की देन थी कि हमारे खेतों में पानी आया। उसके बाद कम से कम आप खाद तो दिलवा देते हमें, तो सब कर्ज में है बेचारे, खाद नहीं मिल रही है, पानी आया खेत में, उन्होंने सोचा कि कम से कम कुछ उपज होगी, कुछ आगे बढ़ सकेंगे, वो भी नहीं हुआ क्योंकि खाद नहीं मिली।